हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एबीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस है 7th ऑफ जून, 8th ऑफ जून, 9th ऑफ जून या फिर 10th ऑफ जून। राइट आंसर हो जाएगा 8th ऑफ जून। वर्ष 1992 में अर्थ समिट हुआ, अर्थ समिट को ही पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। वहां पर ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड ओशन डे। अगर हम ये बात करें कि अर्थ समिट हुआ कहाँ पर, तो ब्राजील की एक सिटी जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो में हुआ। अर्थ समिट वाला क्वेश्चन बहुत बार टेट में पूछा गया है, ईयर पूछा जाता है आपसे, तो ईयर हो जाएगा 1992 और प्लेस हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ब्राजील और इस पॉइंट पे हमारे पास लोकेटेड है रियो डी जेनेरियो सिटी। वर्ल्ड ओशन डे की थीम थी प्लैनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार की अगर हम बात करें तो वो आते हैं कनाडा में फंडी की खाड़ी में। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास लोकेटेड है बे ऑफ फंडी। अगर विश्व के सबसे बड़े महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर द इजी वन, और एस आकृति वाला महासागर पूछे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एस शेप बन रही है और इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलावा वॉल्केनो हैज रिसेंटली इरप्टेड एट विच प्लेस। किलावा ज्वालामुखी हाल ही में किस स्थान पर फटा है। हमारा ऑप्शन है हवाई, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। राइट आंसर हो जाएगा हवाई। यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है हवाई द्वीप और उन्हीं में से एक था किलावा वॉल्केनो, जो कि विश्व के वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस में से एक है। फिलीपींस में भी रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ जिसका नाम था मायो वॉल्केनो। और अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे बड़ा वॉल्केनो कौन सा है, जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हो, तो हमारा आंसर होगा हवाई द्वीप में स्थित माउना लोआ। अब मैंने यहाँ पर सक्रिय वर्ड यूज किया एक्टिव। वॉल्केनोस के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट पे आता है आपके पास एक्टिव वॉल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनमें रिसेंटली भी इरप्शन हुआ और आने वाले फ्यूचर में भी होता रहेगा। दूसरे प्रकार होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बहुत सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है बट इन फ्यूचर हो सकता है। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है शांत ज्वालामुखी, जिन्हें बोला जाता है एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त ज्वालामुखी, जिनमें बहुत समय से भी विस्फोट नहीं हुआ है और इन फ्यूचर भी नहीं होगा, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रेजेंट है और उसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क वॉज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ये भी वैसे अगर आपको लोकेशन पता है तो ये आसानी से आप आंसर लगा ही लेंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करके जाइए। ये हमारे पास साउथ इंडिया का मैप है और यहाँ पे ये वाला तो पहले आप पाक स्ट्रेट ही देखिए। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है कि भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है उसका नाम है पाक चिन संधि। ये जो पॉइंट है हमारे पास, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। और इसी चीज को ही यहाँ पर इस मैप पे थोड़ा जूम इन करके लोकेट किया है। यहाँ पे बहुत छोटे शब्दों में लिखा है गल्फ ऑफ मन्नार। भारत और श्रीलंका के बीच में ये नेशनल पार्क है। इसी के साथ साथ ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसे इस वर्ष मिलने वाला है यूनेस्को अवार्ड और मिशेल बेतिस्टे अवार्ड फॉर 2023। और ये हमने डिस्कस कर लिया कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया और श्रीलंका के पास लोकेटेड है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के किस दिशा में लोकेटेड है, तो दिशा आप आसानी से देख पा रहे हैं, ये हो गया तमिलनाडु और ये दिशा कौन सी बन जाएगी आपकी, ईस्ट बन जाएगी। यहाँ पे भी मैं इस बात को लिखती रही हूँ, बहुत आसान सी बात है वैसे, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, नीचे हो जाएगा साउथ, राइट। और ये नेशनल पार्क के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इशार मैंगो ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग। हाल ही में किस राज्य के इशार आम को GI टैग मिला है। हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर ओडिशा। राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में भी उत्तर कन्नड़ा वाला पोर्शन है, वहां पे ये मैंगो उगाया जाता है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, करी इशाद और बिले इशाद। इसमें से और
शक्ति स्कीम भी इस बार कर्नाटका में शुरू हुई है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। शक्ति स्कीम क्या है? फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन इन कर्नाटका। इसी के साथ ये भी आपको ध्यान रहे कि एचपी में महिलाओं को 50% जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है, जो बसेस आती एचपी के अंदर अंदर ट्रेवल कर रही है, गवर्नमेंट बसेस उनके ऊपर। और कर्नाटका में रिसेंटली सीएम बने हैं सिद्धरमैया ऑफ कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द 2023 वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप बाय वेटिंग विच कंट्री। भारत ने किस देश को हराकर 2023 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? हमारे ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार या फिर नेपाल। राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ये कप जो हुआ 3 से लेके 11 जून तक हुआ जापान में, और उसमें भारत विनर रहा। ये भारत का मेडन टाइटल है, मिस विन फॉर द फर्स्ट टाइम। कैप्टन कौन थी भारत की? प्रीति। और टॉप स्कोरर रही हैं अनु, जिन्होंने इसमें 9 गोल जो है किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुग्वे बीट्स विच कंट्री टू विन फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 20 विश्व कप जीतने के लिए उरुग्वे ने किस देश को हराया? हमारे ऑप्शन है अर्जेंटीना, इटली, फ्रांस, स्पेन। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इटली। अब उरुग्वे, आई थिंक आपने मे बी कंट्री उतना नहीं सुनी हो, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। साउथ अमेरिका में मैप हमने इसलिए बड़ा करके यहाँ डाला है क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस होते हैं। इस बार आपके एचएस में पूछा गया था कि साउथ अमेरिका के कौन से दो देश हैं जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड देश ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ देश ही हो और कोई वाटर बाउंड्री नहीं हो। और आप यहाँ पर देखिए, जैसे ब्राजील से शुरू करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। उरुग्वे देखिए, यहाँ पर भी पानी है, कोस्टल बाउंड्री है। अब यहाँ पे देखिए पराग्वे, हर तरफ से भूमि। और यहाँ पर देखिए बोलीविया, हर तरफ से भूमि। तो हमारा राइट आंसर क्या होना था? बोलीविया एंड पराग्वे, दो ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका में जो है लैंडलॉक्ड। ब्राजील हमारे पास लोकेटेड है, और यहाँ पे इस तरह से बहती है एक नदी जिसका नाम है अमेजन, और वो है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और जो साउथ अमेरिका है वहां पे बहुत ज्यादा घास के मैदान भी है। घास के मैदान को मैं इस मैप पे डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। देखिए, सबसे पहले वेनेजुएला, वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उन्हें बोला जाता है लानोस। ब्राजील में घास के मैदानों को यहां पर बोला जाता है सेल्वास, और यहां पर बोला जाता है कंपोस। और यहां पे इस पूरे पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट घास के मैदान है जिनको बोला जाता है पंपास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंपास है वहां के टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और ये सारे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें, दिस इज योर लानोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज वॉन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? हमारे ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली ये टेस्ट मैच बहुत न्यूज में था क्योंकि ये फाइनल था, और ये ऑस्ट्रेलिया का मेडन टाइटल है। कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस। इसलिए भी न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा कर जीता? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। भारत को 209 रन से हराया और ऑस्ट्रेलिया ने जीता ये टाइटल। ये मैच हुए कहाँ पर? लंदन में हुए। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की है। और लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉरशिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है संशोधक, कावेरी, गंगा या फिर शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा संशोधक। संशोधक का मीनिंग होता है रिसर्चर। और कहां पे लॉन्च हुआ ये? कटुपल्ली, चेन्नई में लॉन्च हुआ। भारत की नेवी की अगर हम बात करें, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसे बोला जाता है सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट। उनमें से 3 शिप पहले ही लॉन्च हो चुके हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और ये है 4th शिप। जो पहले 3 शिप्स लॉन्च हो चुके हैं उनके नाम है संदेक, निर्देशक एंड शिक्षक। ये है आपके पास संशोधक शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली When climate change turns violent film of which country won WHO award? हाल ही में किस देश की फिल्म When climate change turns violent ने WHO पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शंस है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन या फिर डेनमार्क। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इसलिए न्यूज होती है, भले ही देखिए आपने ये सुना हो चाहे नहीं सुना हो, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में इंडिया तुक्का लगाना बेटर रहता है क्योंकि तभी पूछा गया होगा अगर इंडिया इसमें आंसर होगा। इंडिया की एक बहुत ही शॉर्ट टाइप ऑफ फिल्म थी ये, जिसने WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जेनेवा में हुआ ये प्रोग्राम, और वहां पे इंडिया ने जीता ये अवार्ड।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसके अलावा ये भी हमारे पास न्यूज में था कि तेलंगाना फर्स्ट आया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014। कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और उससे भी बड़ी न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश खुद राज्य कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और विभाजन के बाद यानी कि 1947 के बाद भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है राकेश गोयल, अरुण अवस्थी, नितिन अग्रवाल या फिर अशोक सक्सेना। राइट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। केरल कैडर में 1989 के ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया है बीएसएफ का डायरेक्टर। बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है ये गार्ड करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को। आज की वीडियो से हमारा क्वेश्चन है कि When did Earth Summit took place? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? आप वर्ष तो हमें बताएंगे ही बताएंगे, साथ में आप हमें सिटी भी बताइए, देश भी बताइए, जो भी चीज आपको याद है। हमारे ऑप्शंस है 1991, 92, 93 या फिर 94। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।